महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा गांव सूखे की चपेट में है। ऐसे में क्या इंसान क्या बेजुबान, हर कोई सूखे की मार झेल रहा है। बेजुबान जंगल छोड़कर इंसानी बस्ती में एंट्री कर रहे हैं और उनके आने से इंसान और जानवर की दोस्ती की एक अनोखी मिसाल देखने को मिल रही है। आइए आपको भी दिखाते हैं इसकी एक झलक। क्या इंसान क्या बेजुबान, हर कोई सूखे से परेशान। महाराष्ट्र में मुसीबत में बंदरों की चाल, दाना पानी को भटक रहे बंदर। भूख से परेशान बंदर और उन्हें खाना खिलाते इन लोगों ने दोस्ती की कलक मिसाल पेश की है। किसी ने सच ही कहा है कि मुसीबत में दुश्मन को भी दोस्त मानना पड़ता है, जिसकी वानगी ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हैं मालेगांव के डांगराला गांव की, जहां बंदर जंगल को छोड़कर इंसानी बस्ती में उतर आए हैं। लिहाजा खाने पीने की तलाश में उन्होंने डांगराला गांव का रुख कर लिया है। खाने की तलाश में बंदरों ने गांव में अपना डेरा डाला तो गांव वाले भी उनकी आवभगत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यही वजह है कि गांव के किसान इन बंदरों को मेहमान समझकर पाल रहे हैं और उन्हें खाना और पानी दे रहे हैं। फॉरेस्ट बहुत बड़ा है तो ये फॉरेस्ट में बंदर की बहुत संख्या है, मगर ये साल सूखा पड़ा है। सूखे में इसके वजह से पानी नहीं मिल रहा है, गांव को पानी पीने का नहीं है और ये फॉरेस्ट में पानी इनको बंदरों के लिए पानी ही नहीं है गांव में, तो इसलिए ये बंदर पानी के वास्ते और खाना मिल नहीं रहा तो ये गाँव में घुसे फिर रहे इधर। मालेगांव तहसील के 100 से ज्यादा गाँव भयंकर सूखे की चपेट में है। इसकी वजह से जानवरों के चारे और पानी की समस्या बढ़ती जा रही है और जंगलों की हालत सूखे की वजह से गंभीर हो गई है। ऐसे हालात में गांव वाले तो जैसे तैसे खाने के इंतजाम कर ले रहे हैं, लेकिन मुसीबत में इन बंदरों की जान है, जिन्हें खाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। लिहाजा गांव के किसान ही उनकी मदद के लिए आगे आए हैं और उन्हें खाना पीना दे रहे हैं। इसलिए इन बंदरों को जंगल में कुछ नहीं मिलने की वजह से वो लगभग 2 महीने से हमारे गाँव में आके इधर गांव में ही रहते हैं। हम लोग उनको हमारे पास से जो भी बन पाता है, जैसे रोटियां या दूसरा कुछ और फल फ्रूट दे के हम उनको खिलाते हैं। राज्य सूखे की मार झेल रहा है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से सूखे से निपटने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए जा रहे। ऐसे हालात में इन बेजुबानों के लिए खाने पीने के इंतजाम की क्या उम्मीद की जाए। इस समय मालेगांव से जहूर खान।